मूवी की शुरुआत एक किंगडम से होती जहाँ पे हम एला नाम के छोटे बच्ची को देखते हैं। एला की माँ एलेनोर एक फेरी होती है। एलेनोर की एक दोस्त मैंडी भी उनके साथ रहती थी जो खुद भी फेरी थी। इसी दौरान लुसिंडा नाम की एक बहुत ही बड़ी फेरी रहती है, जिसे जब पता चलता है कि एलेनोर को एक बच्ची हुई है तो वो उसे एक जादू का गिफ्ट देने के लिए आती है। लेकिन लुसिंडा हमेशा अपने जादू करने के टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी, इसीलिए लुसिंडा आ रही है ये देख एलेनोर और मैंडी एला को छुपा देते हैं। लेकिन लुसिंडा के हाथों एला बच नहीं पाती। लुसिंडा जब एला को एक गिफ्ट देने जाती है तब वो छोटी बच्ची यानी एला अचानक से काफी रोने लगती है। ये देख लुसिंडा काफी परेशान हो जाती है और अपने जादू से वो एला को चुप कर देती है। अचानक से एला चुप होके सोने लगती है। ये देख लुसिंडा उसे ये ब्लेसिंग यानी एक गिफ्ट देती है कि वो हमेशा दूसरों की बात माने। ये सुनते ही एलेनोर और मैंडी लुसिंडा के ऊपर नाराज हो जाते हैं कि दूसरों की बात हमेशा मानना ये अच्छा गिफ्ट नहीं है। लेकिन लुसिंडा कहती है कि अब मैंने एक बार गिफ्ट दे दिया है, अब इसे वापस नहीं ले सकती, और लुसिंडा वहां से चली जाती है। और इसी गिफ्ट के साथ एला को वक्त गुजारना पड़ता है। देखते देखते एला बड़ी हो जाती है और इसी ब्लेसिंग के कारण उसकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। और वो ना चाहते हुए भी दूसरों ने कही हुई वो सारी चीजें उसे करनी पड़ती थी। कुछ समय के बाद एला की माँ एलेनोर की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन एलेनोर मरने से पहले एला को बताती है कि उसे दिए गए ब्लेसिंग यानी उस गिफ्ट के बारे में वो किसी को भी ना बताए क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे बताती है कि कोई भी ब्लेसिंग हो, गिफ्ट हो या श्राप हो, वो किसी भी इंसान से बड़ा नहीं होता। हमेशा अपने दिल की बात मानो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। और कोई भी श्राप जब तक तुम न चाहो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। और वो उसे एक लॉकेट देती है जिसके बाद वो गुजर जाते हैं। थोड़े समय के बाद एला बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी पूरी जमीन किसी लॉ के कारण किंगडम के राजा के पास जाती है। उनकी हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और अपना घर और इस खराब हालत को बचाने के लिए उसके पिता ओल्गा नाम के एक बहुत ही अमीर औरत से शादी करते हैं। और शादी के बाद ओल्गा अपने दो बेटियों हैटी और ओलिव के साथ पीटर के घर में रहने आती है। लेकिन ओल्गा एला को ऑफकोर्स पसंद नहीं करती थी, और तो और एला की जो सौतेली बहनें रहती है हैटी और ओलिव, वो भी एला के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगते हैं। हैटी गुस्से में उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा नेकलेस काफी पसंद आया है, मुझे दे दूं। और ना चाहते हुए भी उस श्राप के कारण एला उसकी बात मानती और नेकलेस उसे देती है। इतना ही नहीं वो कहती है कि हमें तुम्हारा रूम चाहिए, काफी बड़ा है। और एला अपना सारा सामान लेके घर के नीचे हिस्से में चली आती है। ना चाहते हुए भी उस श्राप के कारण उसे सारी बातें माननी पड़ती है। कुछ दिनों के बाद एला के पिता काम के सिलसिले में चले जाते हैं। इसी दरमियान हम दूसरी तरफ इस किंगडम के प्रिंस चार को देखते हैं और उसके अंकल एडगर्ड। प्रिंस चार के माता पिता यानी किंग और क्वीन काफी सालों पहले मारे गए थे, जिसके बाद उसके अंकल एडगर ही पूरा राज्य संभाल रहे थे। एडगर लोगों की जमीन हत्या कर पैसे कमा रहा था, जिसके बारे में प्रिंस चार को पता नहीं था। और जल्द ही प्रिंस अब किंग बनने वाला था। यहाँ पे एक दिन एला अपने दोस्त एरिंडा के साथ मार्केट आई होती है, जहाँ पे प्रिंस चार अपनी स्पीच देने के लिए आया होता है। प्रिंस चार के पीछे शहर की सारी लड़कियां पागल होती हैं, और प्रिंस को ही देखने के लिए एला की स्टेप सिस्टर्स भी आ जाती है। लेकिन एला इन सारी लड़कियों की तरह नहीं थी। उसकी जमीन जाने के कारण वो प्रिंस के ऊपर काफी गुस्सा होती है, इसीलिए एला और उसके दोस्त प्रिंस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। ये प्रिंस देख लेता है और वो एला की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है कि ये पहली लड़की है जो पागलों की तरह उसके पीछे नहीं पड़ी है और सोच समझ के बातें कर रही है। लेकिन हैटी जब ये देखती है तब वो गुस्से में एला को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और ना चाहते हुए भी एला को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। इसी दरमियान प्रिंस भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां स्टेज तोड़कर उसकी तरफ जाने लगती है। उसके गार्ड्स भी पीछे छूट जाते हैं। ये लड़कियों का झुंड देख के प्रिंस जंगल की ओर भागने लगता है। सारी लड़कियां उसके पीछे थी, तो वही दूसरी तरफ एला भी जा रही होती है, और भागते भागते प्रिंस चार गलती से एला से टकरा जाता है। वो दोनों भी एक जगह पे छुप जाते हैं और लड़कियों का झुंड दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसके बाद एला गुस्से से वहां से जा रही होती है, लेकिन प्रिंस को समझ नहीं आता कि वो इतनी गुस्सा क्यों है, और उसे बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एला उसे इग्नोर करती है। तभी प्रिंस जोरों से उसे कहता है कि तुम वहीं पे रुको, और एला ना चाहते हुए भी वहीं पे रुक जाती है। लेकिन तभी सामने से एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आ रही होती है जो कि एला की तरफ ही तेजी से आ रही थी। इस श्राप के कारण एला अपना कदम भी हिला नहीं पाती। अब ये देखते हुए
प्रिंस चार दौड़ते हुए आता है और एला को बचा लेता है। वो गाड़ी जाने के बाद कैसे तैसे एला उठ जाती है, पर इसके पहले कि एला कुछ बोलती, हैटी और ओलिव वहां पे आ जाते हैं। हैटी एला को ओलिव के साथ वापस घर जाने के लिए कहती है और खुद प्रिंस के साथ बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्रिंस उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यहाँ पे हैटी को भी दाल में कुछ काला लगने लगता है कि उसकी एक सौतेली बहन यानी कि एला उसकी हर बात भला क्यों मान रही है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैटी एक दिन एला के जरिए एक दुकान से जूते चोरी करने के लिए कहती है। एला काफी मना करती है, लेकिन जैसे उसके मुंह से निकलता है कि एला वो जूते चोरी करो, एला उस ब्लेसिंग के कारण वो जूते चुरा के अपने पास रख देती है। फिर उसके बाद एक एक करके वो दोनों भी बहने इसे चोरी करवाते हैं, लेकिन एक सिपाही ये देख लेता है और एला को पकड़ने के लिए जाता है। एला वहां से काफी भागती है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। हैटी को पता चल गया था कि एला किसी वजह से उसकी बात हमेशा से मानती है। अब उसकी माँ उसे जेल से छुड़ा के लाती है और एला को काफी डांट पड़ती है, लेकिन सच बताने के बजाय हैटी जानबूझ के एला के कान में कहती है कि वो कहे कि चोरी करने के लिए उसे उसकी दोस्त एरिंडा ने कहा था। अब ना चाहते हुए भी एला एरिंडा का नाम बताती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की बात माना करती थी। और जब एरिंडा घर पे आती है तब उसकी माँ जबरदस्ती एला से उसकी दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है, और एला ना चाहते हुए भी रोते हुए अपने दोस्त का दिल तोड़ती और कहती है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के कारण एला काफी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे मैंडी आ जाती है और एला को कहती है कि उसे कैसे भी लुसिंडा को ढूंढना होगा ताकि वो ये श्राप तोड़े। लेकिन एला कहती है कि इस पूरे दुनिया में लुसिंडा कहाँ होगी उसे नहीं पता होगा। तो मैंडी उसे एक किताब लाके दिखाती है। एला पूछती है ये किताब क्या है, तो मैंडी कहती है कि दरअसल कुछ सालों पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर जादू कर रही थी और गलत मंत्रों का इस्तेमाल करने के कारण अब बेनी एक किताब में बदल गया है। मैंडी आगे कहती है यानी बेनी की मदद से लुसिंडा अभी किस जगह पे है वो पता चल सकता है। फिर बेनी यानी वो किताब लुसिंडा की सर्च करता है और उसे पता चलता है कि लुसिंडा अभी जायंट विला नाम के एक जगह पे फंक्शन अटेंड कर रही है। और मैंडी की मदद से एला उसी दिन घर छोड़ देती है और अपने साथ वो किताब को भी लेती है लुसिंडा को ढूंढने के लिए। बेनी यानी वो किताब असल में एक मैप की तरह था जो दुनिया के कोई भी लोग अभी इस वक्त कहाँ पे है ये देख सकता था, और इसी के जरिए एला अपने सही रास्ते पे जा रही होती है। लेकिन जंगल से जाते वक्त एला को किसी चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि स्लैनिन नाम का एक एल्फ होता है जिसे कुछ लोग बांध कर परेशान कर रहे होते हैं। एला आके उन लोगों को डांटने लगती है कि उसे छोड़ दे। वो लड़के एला का मजाक उड़ाते और कहते हैं कि ये हमारी टांग तोड़ने वाली है, लेकिन उसके उस ब्लेसिंग के कारण सच में एला उन सब की टांग तोड़ने लगती है और उन्हें काफी मारती है और स्लैनन को बचा लेती है। यहाँ पे स्लैनन अपनी कहानी बताने लगता है कि जितने भी एल्फ है उन्हें पूरी दुनिया एक एंटरटेनर से जानती है जो सिर्फ गाना बजाना करते हैं, लेकिन स्लैनन को एक लॉयर बनना था, लेकिन इस राज्य में सिर्फ इंसान ही लॉयर बनते हैं। जिस बात से स्लैनन काफी दुखी था और वो प्रिंस से जल्दी ही इसके बारे में बात करने वाला था। एला भी उसे बताती है कि वो जायंट विला जाने वाली है किसी चीज के खोज में, लेकिन ये सुनते ही स्लैनन उसे बताता है कि वो अकेले वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे काफी खतरा है, इसलिए दोनों भी एक साथ चलने लगते हैं। सबसे पहले स्लैनन उसे अपने गांव लेके जाता है जहाँ पे और दोनों भी डिनर करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं राज्य में प्रिंस चार जल्दी ही राजा बनने वाले थे, इसीलिए उनकी ताजपोशी सेरेमनी का इनविटेशन पूरे गांव को दिया जाता है। उसी दिन प्रिंस चार की शादी होने वाली है और वो शहर में से एक लड़की को चुनने वाले थे। ये लेटर एला के लिए रहता है। जब मैंडी वो लेटर देख ही रही होती है तभी ओगला वहाँ पे आ जाती है और लेटर छीन कर खुद को और अपने दोनों बेटियों के साथ सेरेमनी में जाने का फैसला करती है। यहाँ पे स्लैनन और एला दोनों भी रात में आराम कर रहे थे कि तभी अचानक से प्रिंस शार के सिपाही आते हैं और काफी सारे एल्फ को मार कर जबरदस्ती पैलेस लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी जश्न होने वाला था। लेकिन एला और स्लैनन समय रहते वहाँ से छुप जाते हैं और उसके बाद दोनों भी आगे बढ़ते हैं। जंगल में जाते हुए एला और स्लैनन को कुछ ओगर्स पकड़ लेते हैं जो स्लैनन और एला दोनों को भी उल्टा लटका कर उन्हें पका के खाने वाले थे कि तभी वहाँ पे प्रिंस शार और उसके कुछ सिपाही आ जाते हैं। प्रिंस सारे ओगर्स के साथ लड़ते हुए इन दोनों को भी छुड़ा लेता है। ओगर्स दरअसल वही लोग होते हैं जिन्होंने सालों पहले प्रिंस के माता पिता यानी रियल किंग और क्वीन को मार डाला होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रिंस इन ओगर्स को मारता नहीं है और उन्हें एक मौका देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये देख एला काफी आश्चर्य हो जाती है। प्रिंस से पूछने पर
एला बताती है कि वो जायंट विला जा रही है। अब ये सुनने के बाद प्रिंस एला की मदद करने के लिए उसके साथ जायंट विला तक जाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्लेवन के कहने पर एला को फिर प्रिंस को हाँ कहना पड़ता है और प्रिंस अपनी पूरी सेना लेकर इन्हें जायंट विला छोड़ने के लिए आते हैं। तीनों साथ में सफर करते हैं। रास्ते में मौका देखकर स्लेवन प्रिंस को बताता है कि वो लॉयर बनना चाहता है ना कि एंटरटेनर, लेकिन लॉ के अनुसार सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं। लेकिन इस बात की गहराई ना समझते हुए प्रिंस सिर्फ कह देता है कि ये सारा मामला मेरे अंकल संभालते हैं, राजा बनने के बाद मैं देख लूंगा। ये जवाब सुनते ही एला उसे समझाती है कि तुम प्रिंस हो, तुम चेंज ला सकते हो और तुम्हें लोगों के प्रॉब्लम तभी से समझने होंगे, और एला की यही बात प्रिंस को पसंद आती है। अब थोड़े समय के बाद तीनों भी सफर खत्म करते हुए जायंट विला जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं जायंट साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी राजा के काफी सारे सैनिक उन जायंट्स को मार कर उनसे काम करवा रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है लुसिंडा तो यहां से जा चुकी है। अब लुसिंडा के ना मिलने के कारण एला वहां से निकलने ही वाली थी, लेकिन किंगडम में एक जश्न चल रहा था, प्रिंस चार भी वहां पे रुकने वाले थे, इसीलिए वो एला को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन यहां पे रुक जाते हैं। अब प्रिंस के ऐसा कहने के कारण एला ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ता है, जहाँ पे प्रिंस और जायंट का जो किंग रहता है वो दोनों भी बात करते हैं और आपस में जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उन्हें सुलझा लेते हैं। ये देख एला को प्रिंस पर वापस विश्वास होने लगता है और दोनों भी उस फंक्शन में काफी इंजॉय करते हैं, और एला भी उसके प्यार में पड़ती है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। एला प्रिंस को बताती है कि वो अपने गॉड मदर से यहाँ पे मिलने आई थी, तो प्रिंस उसे मदद ऑफर करता और कहता है कि उसके राज्य में सारे लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, वहां से उसे लुसिंडा के घर का पता मिल सकता है, जिससे एला भी खुश होती है। और अगली सुबह ये लोग वापस अपने राज्य आने के लिए निकलते हैं। वहाँ आने के बाद प्रिंस एला को अपने महल में लेके जाता है, जहाँ पे महल में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें यानी ओगला, हैटी और ओलिव भी होते हैं। प्रिंस चार एला को अपने महल के रिकॉर्ड रूम में लेके आते हैं, जहाँ पे एला लुसिंडा के बारे में खोज करने लगती है। तो वही दूसरी तरफ प्रिंस चार अपने ताजपोशी से पहले अंकल एडगर्ड से मिलने के लिए आते हैं और एडगर्ड को एला के बारे में बताता है कि वो उससे ही शादी करेगा, पर एडगर्ड ये सुनके ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसे इस राज्य का किंग बनना था और सारा कंट्रोल खुद के पास रखना था, इसीलिए प्रिंस की शादी से वो खुश नहीं होता। इसीलिए एला को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो एला के सौतेली बहने यानी हैटी और ओलिव को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। एडगर्ड हैटी के साथ एक डील करता है कि वो प्रिंस चार के साथ उसकी शादी करवाएगा, लेकिन उसके बदले में उन दोनों को मिलके एला को रास्ते से हटाना होगा। तो हैटी कहती है कि ये तो सिंपल है, उसके ऊपर किसी तरह का जादू है जिसके कारण आप जो भी उसे बोलोगे वो आपकी बात मान लेगी। ये सुन के एडगर्ड लाइब्रेरी में एला के पास मिलने जाता है और एला को जबरदस्ती कहता है कि जब प्रिंस तुम्हें प्रपोज करेगा तब तुम्हें प्रिंस को मार डालना होगा, और इसलिए एडगर्ड एक चाकू भी उसे देता है, जो एला ना चाहते हुए भी अपने पास रख लेती है, क्योंकि उस श्राप के कारण वो ऑर्डर उसका मान लेती है। वो जाने से पहले एला को ये सारी बातें सीक्रेट रखने की बात कहता है, जिसके कारण वो इसके बारे में किसी को नहीं बता पाती। अब वो खुद के हाथों प्रिंस का खून नहीं करना चाहती, इसीलिए वो महल से दूर आती है और खुद को स्लेवन से कहकर शहर के बाहर एक पेड़ रहता है वहाँ पे जंजीरों में खुद को बंधवा देती है। आगे वो स्लेवन से कहती है कि जंगल में जाके एल्फ, जायंट और ऑर्ग सभी को इस किंगडम में लेके आओ ताकि वो एडगर्ड को रोक सके। अब यहाँ पे देखते देखते रात होने लगती है और उस श्राप के कारण मानो वो महल की तरफ खींचे जा रही होती है, लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए वो मन ही मन में प्रार्थना करने लगती है कि काश मुझे एक बार लुसिंडा मिल जाए, और उसकी ये विश मानो पूरी हो जाती है। और अचानक से कहीं से लुसिंडा आ टपकती है, जो कि एक्चुअली एक पब में जाना चाहती थी और गलती से यहाँ गिर जाती है। उसे देख के एला काफी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि वो दरअसल उसकी फेरी गॉड मदर है और उसी ने गलती से ये श्राप उसे दिया था, लेकिन लुसिंडा उसका जादू वापस नहीं लेती और तो और उसकी बात अनसुनी करके उसे और उसकी जंजीरें निकालती है अपने जादू से और उसे काफी अच्छा ड्रेसअप करके राजमहल में जबरदस्ती भेज देती है। अब एला को ना चाहते हुए भी महल आना पड़ता है, जहाँ पे प्रिंस उसे देख कर काफी खुश हो जाता है और उसे खूबसूरत जगह पे लेके जाके प्रपोज करने वाला है। पर एडगर्ड के दिए हुए ऑर्डर के कारण एला प्रिंस चार को मारने के लिए चाकू निकालती है, पर एला उसे मारने से खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रही थी। उसे अपने माँ के शब्द याद आते हैं कि कोई भी श्राप उससे बढ़कर नहीं है, वो अपने दिल की बात सुन सकती है, और मानो देखते ही देखते वो चाकू को जमीन पे गिरा देती है। लेकिन प्रिंस तब उसके हाथ में चाकू देख लेता है और उसे गलत समझता है और वो सिपाहियों को बुलाकर एला को बंदी बनाता है। दूसरी तरफ स्लेवन ओगर्स और जायंट
सिर्फ इनको लेकर महल के अंदर घुस जाता है और आके एला को कैद से आजाद करता है। एला उस किताब की मदद से एडगर्ड को क्राउन में पॉइजन डालते हुए देखती है और ये देख एला सीधा प्रिंस की जान बचाने के लिए ताजपोशी की सेरेमनी में घुस आती है और वो चीखते हुए सबको एडगर्ड की सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन तभी एडगर्ड का सब प्रिंस चार को डसने ही वाला होता है, लेकिन एला उसे पैर से मारकर दूर फेंक देती है और एडगर्ड गुस्से में अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि उसी ने सबको मार डाला था और चीखते हुए कहता है कि मुझे ही इस राज्य का राजा बनना है और वो क्राउन खुद ही पहन लेता है जिसमें एक्चुअली उसी ने जहर डाला था जिसके कारण एडगर्ड खुद पैरालाइज हो जाता है और वो मारा जाता है। ये सब हैटी देख रही होती है। वो जबरदस्ती एला को ऑर्डर देने की कोशिश करती है लेकिन हंसते हुए वो कहती है कि वो श्राप मैंने खुद ने तोड़ दिया है। और मूवी के अंत में प्रिंस और एला की शादी होती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।